हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर टीचर विद चैप्टर टू। राइट, वी हैव सीन चैप्टर वन, नाउ वी आर गोइंग टू सी चैप्टर टू, दैट इज मेमोरी एंड स्टोरेज। सो यस एवरीवन नो, आप सबको पता है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? बिकॉज इन दैट इट स्टोर्स मैनी थिंग्स। जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टोर रहती है, वैसे कंप्यूटर में भी स्टोरेज होता है, वो उसका भी एक मेमोरी होता है। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी योर बिट्स एंड बाइट। ओके, लाइक वी अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज 0 एंड 1। वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है उसकी लैंग्वेज को, तो उसे सिर्फ 0 यानी यहाँ दिखेगा कि ऑफ एंड 1 यानी ऑन। लाइक स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आप करते हो ना अपने घर पे, राइट, प्लग्स को। तो जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, द सेम वे वी आर हैविंग 0 एंड 1। 0 एंड 1 आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट्स। व्हाई बाइनरी डिजिट्स? बिकॉज इट इज 0 एंड 1 ओनली। लाइक वी आर नोइंग अबाउट द डेसिमल्स, तो उसमें 1 से लेकर 10 आप देखते हो ना, 0, 1, 2, 3, लाइक दैट यू से। नाउ द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। सो वो कितना स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, कितना स्टोर कर सकता है इंस्ट्रक्शंस। मींस लाइक योर यू मस्ट बी नोइंग दैट योर टीचर यूज्ड टू गिव यू द इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। आपके दिमाग में वो चीज को आपको बिठाना है, उसे स्टोर करना है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। द सेम वे योर द कंप्यूटर ऑल्सो स्टोर्स इन इट्स मेमोरी द इंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ योर आर डिफरेंट स्टोरेज। ओके, यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी होती है दैट यू कैन सी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 8 bits इज इक्वल टू 1 byte, 1024 bytes इज इक्वल टू 1 KB और 1 kilobyte। You can say KB in short, okay? So this way you are having till ZB, okay? Here you can see kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte and yottabyte, okay? Now what is internal memory? Internal memory yane aapke andar jaise memory hoti hai aapke dimag mein, to waise hi computer mein bhi uski ek andar ek memory hoti hai, right? Inside. So that is called primary memory or it is also known as main memory. It is the built-in memory. Built-in memory yane kya? Ke wo computer ke yane CPU ke andar already hota hai. Okay. The data stored in internal memory is erased when the computer is turned off. Jaise hi aap turn off karoge yane computer ko band karoge, waise hi wo memory mein jo kuch bhi rahega wo erase ho jayega. Okay. Like there are 2 types of primary memory. कितने हैं? 2 types. Please remember, random access memory, which is in short known as RAM, and read-only memory, which is known as ROM. Okay. Now random access memory. So what is random access memory? It stores the information temporarily. यानी थोड़ी देर के लिए वो उसके दिमाग में वो चीजें वो रखता है memory में, right? The memory is lost when you turn off the computer or when the power goes off. जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करोगे या फिर पावर ऑफ करोगे, तो वैसे ही उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी यानी जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? लॉस्ट यानी गायब. इट इज लाइक अ कैलकुलेटर. यू मस्ट हैव सीन द कैलकुलेटर. इन कैलकुलेटर व्हेन यू डू द कैलकुलेशन, आफ्टर दैट यू लीव इट फॉर सम वाइल, तो क्या करेगा? वो इरेज हो जाएगा. मीन्स यू कैन नॉट सी द डिजिट्स ओवर देयर. ओके, नाउ रीड ओनली मेमोरी. इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज. यानी आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तभी जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन आती है वो सारी क्या है, वो कहाँ स्टोर होती है? इट इज बीन स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी. It consists of programs that checks the proper working of all the computer parts. यानी वो check करेगा आपके computer के parts को, whether the keyboard is working properly, monitor is working properly, software अच्छे से चल रहा है. Okay,
इट कैन नॉट बी चेंज बट कैन ओनली बी रीड, यानी उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ओनली आप उसे रीड कर सकते हो. ओके, बट नाउ देर आर मेनी अनदर टाइप्स ऑफ रोम ऑल्सो विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन वेन द पावर इज स्विच ऑफ, यानी अगर आपका पावर स्विच ऑफ कर देते हो, यानी आप टर्न ऑफ करते हो आपके कंप्यूटर को, तो भी वो वहां स्टोर रहेगा. किसमें स्टोर रहेगा? इट विल बी स्टोर्ड इन द रोम. ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल यानी तो आप समझ गए ना, अंदर, इनसाइड. ओके, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. द डेटा इज नॉट लॉस्ट इन एक्सटर्नल मेमोरी, यानी यहाँ डेटा आपका नहीं चला जाएगा, जबकि इंटरनल में आपने देखा ना दैट इट इज बीन लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, यानी आप कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो वो वहां से, वो मेमोरी में से वो चीजें नहीं निकलेगी. एक्सटर्नल मेमोरी हेल्प्स टू कॉपी प्रोग्राम एंड रन द प्रोग्राम इनटू इंटरनल मेमोरी, यानी आप कोई प्रोग्राम आप इंस्टॉल करना चाहते हो, नया प्रोग्राम आप डालना चाहते हो, या फिर कोई प्रोग्राम आपको चलाना है, तो उसके लिए हेल्प कौन करता है? एक्सटर्नल मेमोरी. एंड इट रन्स ऑन द इंटरनल मेमोरी, यानी वो एक्सटर्नल से उसे कॉपी करेगा और इंटरनल से वो रन करेगा, यानी वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा. ओके, नाउ हार्ड डिस्क. एवरीवन हैज वॉच दिस थिंग बट यू आर नॉट नोइंग प्रॉपरली. आप सीपीयू में, आप कभी देखना तो सीपीयू में क्या होता है? एक हार्ड डिस्क होता है. ओके, इट इज द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स, यानी वो सबसे मेन होता है. व्हाई मेन? लेट अस सी. इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू, यानी सीपीयू के अंदर फिक्स रहता है. इट इज नॉट आउटसाइड. आपको वैसे तो एक्सटर्नल मेमोरी आउटसाइड वाले बोले, लेकिन यहाँ हार्ड डिस्क कहाँ होता है? इट इज इनसाइड द सीपीयू एंड इट इज फिक्स्ड. यू कैन नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होते हैं जो आप यूएसबी से चला सकते हो. इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा इसमें स्टोर रहता है. आपको दिखता वो छोटा है, लेकिन इन दैट इट कैन स्टोर मैनी थिंग्स लाइक अवर माइंड, राइट? इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क विच इज नोन एज प्लेटर्स. यहाँ आपको जो डिस्क दिख रही है ना, अलग अलग आपको डिस्क दिख रही है, वो सारी क्या बोलते हैं? प्लेटर्स. इट कैन स्टोर अप टू 2 TB to 5 TB ऑफ डेटा. टीबी मीन्स टेराबाइट, विच यू हैव सीन एट द फर्स्ट, राइट? मैंने आपको पहले ही बताया स्टोरेज. नाउ दिस इज एवरी वन नोइंग सीडी, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क. अब कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, राइट? वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है. इट इज थिन, शाइनी एंड सर्कुलर डिस्क. आपको दिखता है वो बहुत पतला होता है, राइट? एंड इट इज हैविंग शाइनी लेयर्स. देखो आप, शाइन करता है वो. एंड सर्कुलर मीन्स इन अ सर्कल, राइट? देन इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा. वो कितना स्टोर करता है? 700 MB ऑफ डेटा. इट्स साइज इज 4.7 इंच इन डायमीटर. आपको ये डायमीटर आपको दिखता होगा. एवरीवन नो रेडियस एंड डायमीटर. तो डायमीटर कितना है उसका? 4.7 इंच. ओके, वी नीड सीडी ड्राइव टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सीडी. यानी आपको दिखता होगा ये लैपटॉप में होता है. देखो ये लैपटॉप में ये है उसका ड्राइव. इन दैट यू इंसर्ट द सीडी एंड यू प्ले इट. एंड ऑल्सो वी हैव दिस टाइप इन द सीपीयू. ओके, एंड यू मस्ट हैव सीन द सीडी प्लेयर्स ऑल्सो. जिसके यहाँ सीडी प्लेयर होगा वहां सीडी आप कैसे इंसर्ट करते हो? द सेम वे यू हैव टू इंसर्ट द सीडी. ओके, नाउ डीवीडी विच इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. ओके, इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. जैसे सीडी है वैसे ही डीवीडी, वो दिखता सेम है बट यस इट इज डिफरेंट. इट इज सिमिलर टू सीडी इन शेप एंड साइज. यानी शेप और साइज में कैसा दिखेगा? सेम लाइक सीडी बट द स्टोरेज इज डिफरेंट. डीवीडी में स्टोर कितना होता है? 4.1 GB to 17 GB, दैट इज गीगाबाइट. ओके, यानी उसमें सीडीज में 700 MB है, दैट इज मेगा बाइट. सो इट इज स्मॉल. वेल इन डीवीडी इट कैन स्टोर मोर अमाउंट, यानी ज्यादा. ओके, ठीक है.
आप लोगों ने डीवीडी प्लेयर देखा होगा, इन डीवीडी प्लेयर ऑल्सो वी कैन हैव द डीवीडीज, वी कैन इंसर्ट द डीवीडीज एंड एज आई हैव शोन यू द सीडी राइटर, वैसे ही डीवीडी का भी होता है. ओके, नेक्स्ट ब्लू रे डिस्क. यस, मेनी ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग, आई विल शो यू. इट इज न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर 25 GB ऑफ डेटा. जस्ट इमेजिन, 25 GB मीन्स इट इज मोर देन डीवीडी. डीवीडी से भी ज्यादा स्टोर करता है ब्लू रे डिस्क. ओके, एंड दिस इज योर ब्लू रे डिस्क. ओके, इट कैन स्टोर अप टू 50 GB ऑन इट्स ड्यूअल साइड. यानी अगर दोनों तरफ आपको स्टोर करना है आगे पीछे, तो वो कितना करेगा, 50 GB. ओके, दैट इज 50 GB. Its stores capacity is 5 times more than DVD. As I have told you, कि DVD से भी वो ज़्यादा capacity होती है उसमें. आपने DVD में देखा, what was the capacity of it? 4 point. Please write in the comment box. This is my question to you all. Okay. The size of Blu-ray disc is similar to DVD or CD. और sometimes वो छोटा भी होता है, right? और कितनी जगह पे गेम्स के लिए, गेम्स में आप प्ले करते हो तो गेम्स के लिए भी वो यूज होता है. ओके, फ्लैश ड्राइव, एवरीवन यूज इट, राइट? एवरीवन हैव इट एट देयर होम्स. पेन ड्राइव, ओके, इट इज आल्सो नोन एज पेन ड्राइव. इट इज प्लग एंड प्ले डिवाइस. व्हाई प्लग एंड प्ले? बिकॉज आप इसे इंसर्ट करते हो, तो यानी प्लग करते हो और फिर प्ले करते हो, यानी वीडियो देखते हो, फिर ऑडियो सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो. ओके, इट कैन बी कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट. यानी उसके लिए जो पोर्ट होता है, दैट इज नोन एज यूएसबी पोर्ट, जहां आप इंसर्ट करते हो. ओके, इट कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डेटा. पेन ड्राइव में आप 1 TB तक स्टोर कर सकते हो, और आजकल तो पेन ड्राइव उससे भी ज्यादा स्टोरेज वाली मिल रही है. इट इज फास्टर इन एक्सेसिंग डेटा एंड मोर रिलायबल. यानी आप तुरंत अगर एक्सेस करना चाहते हो कोई डेटा को, देन द पेन ड्राइव इज द बेस्ट वे. ओके, नाउ मेमोरी कार्ड. इट इज द स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस. पोर्टेबल डिवाइसेस यानी क्या, जो आप इधर उधर ले जा सकते हो, कहीं भी आप ले जा सकते हो. ओके, इट कैन बी इजिली रिमूव फॉर एक्सेस बाय अ कंप्यूटर. याने आप कभी भी उसे रिमूव कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर. और इट इज यूज टू ट्रांसफर इमेज, म्यूजिक एंड वीडियो फाइल्स, राइट? तो आप इमेजेस उसमें स्टोर कर सकते हो और ट्रांसफर भी कर सकते हो. फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल ऑल्सो यू कैन डू, और फ्रॉम वन कंप्यूटर टू लैपटॉप यू कैन डू. ओके, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विथ इनबिल्ट कार्ड रीडर पॉट. उसमें कार्ड रीडर का एक पॉट होता है जिससे वो एक्सेस कर सकते हैं. इट इज हैविंग अ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 128 GB. जस्ट इमेजिन, सो वेरी मच बिग अमाउंट, राइट? आप देखो यहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेमोरी कार्ड्स आपको दिखेंगे, और वो आप मोबाइल में लगाते हो. देखो आपके सिम के साथ होता है वो मेमोरी कार्ड, राइट? मेनी ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. एंड इवन वी एज आई टोल्ड दैट द कार्ड रीडर, तो उसमें इंसर्ट करना है तो आप लैपटॉप में यहाँ इंसर्ट कर सकते हो. इवन इन अवर कैमराज, कैमराज में भी आपके मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने की प्लेस होती है, तो वहां आप स्टोर जो भी आपके फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, वो स्टोर किस में होते हैं, मेमोरी कार्ड में. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्रेस द बेल आइकन. यू कैन सी दिस बेल आइकन. सो वॉट यू कैन डू, बाय द बेल आइकन यू कैन गेट द नोटिफिकेशन अबाउट माई न्यू वीडियोज. एंड प्लीज गिव द कमेंट हाउ यू लाइक इट माई वीडियो. थैंक यू.